मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पहाड़ों पर हो रही मौसम और बारिश का असर काशीपुर में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज ढेला नदी में सिंचाई विभाग के द्वारा पानी छोड़ा गया, जिससे नदी उफान पर आ गई। आपको बताते चले कि कुमाऊं भर में बीते रोज हुई मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई हुई थी, तो वहीं पहाड़ों पर भी बारिश लगातार अपना कहर बरपा रही है, जिसके चलते कई पुल बह गए हैं तो वहीं रास्ते बंद हो गए हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर तराई में भी देखने को मिल रहा है। ढेला और सावलदे नदी में जलस्तर बढ़ने से तराई के ढेला और पीका बैराज पर दबाव आने से बीते रोज सिंचाई विभाग के द्वारा 18,000 क्यूसेक पानी ढेला बैराज से जबकि 6,200 क्यूसेक पानी पीका बैराज से छोड़ा गया, जबकि आज 3,000 क्यूसेक पानी ढेला बैराज से तो वहीं 2,600 क्यूसेक पानी पीका बैराज से छोड़ा गया। 4 तारीख को 18,000 क्यूसेक के आसपास 8 बजे ढेला बैराज से पानी छोड़ा गया था। वर्तमान में पहाड़ों से पानी काफी आ रहा है, ढेला और सावलदे नदी दोनों मिलकर बैराज पे आती है, तो वहाँ हमने 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा था ढेला बैराज से, और पीका बैराज से 6,200 क्यूसेक पानी छोड़ा था, जो अल्टीमेटली दोनों नदी रामगंगा में मिल जाती है। और वर्तमान में तुमड़िया जलाशय का लेवल है 829.4 फीट, जो पिछले साल की अपेक्षा 6 फीट पानी हमारे पर पर्याप्त है, जिसका मैक्सिमम जल स्तर 850 फीट है, जो इस बार लक्ष्य है भरने का। आज कितना पानी छोड़ा गया है सर? आज 3,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है ढेला बैराज से और 2,600 क्यूसेक के आसपास पीका बैराज से छोड़ा गया। सर, पिचिंग की अगर बात की जाए, चूँकि मानसून सीजन अब सर पर है, तो पिचिंग वगैरह को लेकर के जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो, जो नीचे की बस्तियां हैं, तो उसके लिए सर किस तरह का क्या कोई कुछ अवमुक्त किया गया है क्या? इसमें ढेला नदी जो काशीपुर से होके जाती है, इसमें प्राकलन बनाया गया था, 13 करोड़ की योजना है जो पिचिंग का कार्य है, तो इसके संबंध में महेंद्र सिंह बोरा जो सिंचाई खंड प्रथम है सहायक अभियंता उनके अंतर्गत आता है, तो ये अभी सांसद स्तर पर ही लंबित है, संभवतः उसमें अलॉटमेंट हो तब कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। सर, जो ढेला का जो है कटान है, मतलब काफ़ी मोड़ दिया गया है अतिक्रमणकारियों के द्वारा, कहीं कभी उसमें फसल उगाई जाती है, कहीं झोपड़ी वगैरह, तो सर उनके लिए मतलब कुछ विभाग की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्यवाही वगैरह? इसमें जहाँ जहाँ अतिक्रमण किया गया है संबंधित सहायक अभियंता द्वारा नोटिस दिया गया था, बाकी जो शेष प्रशासन द्वारा कार्रवाई किया जाएगा।